तो ये है दोस्तों एक मोबाइल होल्डर जो कि आप अपनी बाइक या फिर साइकिल पे यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जिस कंपनी का मंगवाया भाई ओकाइजी भाई, वो वाला तो इन्होंने नहीं भेजा, यहाँ पे कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं है, सिंपल सा एक बॉक्स है जिसके अंदर आइटम्स दिए गए हैं, फटाफट आइटम को निकाल लेते हैं। आई डोंट नो कि भाई क्या कुछ रहा, बट ठीक है जो हमने मंगवाया वो एटलीस्ट हमें मिल गया। अगर नहीं मिलता तो हम रिटर्न भी कर देते, रिटर्न पॉलिसी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें दिया गया, बाकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो मेटल की है। मेटल की बिल्ड क्वालिटी की वजह से क्या है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, ये जल्दी से टूटेगा नहीं। इसके अलावा स्क्रू वगैरह से आप इजीली इसको टाइट कर सकते हैं, वो भी हम देखने वाले हैं बाइक पे किस तरीके से लगने वाला है। तो सब कुछ बताऊंगा कि क्या आप इसे लॉग्स बना सकते हो या फिर नहीं है, और या फिर क्या ये सिर्फ हमें मैप वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे बाइक पे। तो उसके साथ में हमें कुछ इस तरह की आइटम्स मिल जाती हैं, इनको हम सेटअप कर सकते हैं इजीली। और आप इसको चाहो ना तो लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट मोड दोनों में यूज़ कर सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक स्क्रू होता है जो इसको अलग अलग आप एंगल से, दोनों एंगल से जिस हिसाब से आप चाहो तो वैसे कर सकते हो। हाँ, 360 पूरा वैसे रोटेट नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें कुछ छेंज बने हुए जगह है, तो उस वजह से आप इसको पूरा नहीं कर सकते। आप दो ही एंगल पे रख सकते हो, या तो पोर्ट्रेट मोड में या फिर लैंडस्केप मोड। इसके अलावा इस मोबाइल होल्डर के साथ में आपको कुछ रबर की स्ट्रिप मिल दी है जो आपको इस मोबाइल होल्डर के ऊपर लगानी है। जो पेस्ट वगैरह इसमें लगा हुआ है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो जल्दी से ख़राब तो नहीं होने वाला है। ये इसलिए दी गई ताकि आपके फ़ोन को किसी तरह का डैमेज ना हो, क्योंकि ये मेटल का यानी एल्युमिनियम की बिल्ड क्वालिटी है मोबाइल होल्डर की, तो आपके फ़ोन पे स्क्रैच वगैरह लग सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मोबाइल फ़ोन को जब इसमें लगाओ तो भाई उस पर कवर ज़रूर रखना, विदाउट कवर यूज़ मत करना, अदरवाइज़ आपका ग्लास गार्ड या फिर फ़ोन का जो बैक जो ग्लास का बना हुआ है वो क्रैक हो सकता है। तो आप कवर लगा के यूज़ कीजिए, ताकि सॉफ्ट रहेगा आपके फ़ोन के लिए तो बेटर रहेगा, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाएगी। इसके अलावा बाई चांस इन फ्यूचर किसी वजह से फ़ोन गिर भी जाता है तो वहाँ भी आपका फ़ोन सेफ रहेगा। तो अब मैं फाइनली बाइक पे इसको प्लेस करता हूँ, आपको अलग अलग एंगल से दिखा देता हूँ। तो भाई इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो ओवरऑल यहाँ पे लगाने के बाद में अगर आप देखोगे कि जो मोबाइल होल्डर है वो किस तरीके का एंगल बनता है, तो देखो पोर्ट्रेट मोड में आप लगाओगे या लैंडस्केप मोड में, जिसमें भी लगाना चाहो लगा सकते हो। अब आप अपना गूगल मैप अगर आप यूज़ करना चाहते हो, या फिर नॉर्मली कोई कॉल वगैरह आ जाती है उसको उठाना चाहते हो, सामने फ़ोन रखना चाहते हो कि बार बार आपको जेब से ना निकालना पड़े, पॉकेट से ना निकालना पड़े, तो उसके लिए तो ये सही है। लेकिन देखो सबसे बेस्ट रहेगा कि आप इसको लैंडस्केप मोड में रखो, क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में अगर आप रखते हो यानी फ़ोन को सीधा ऊपर खड़ा करके रखते हो, तो उसमें क्या है कि बाई चांस अगर इसके स्क्रू थोड़े बहुत ढीले हो जाते हैं तो आपका फ़ोन गिर जाएगा हाई स्पीड पे, कुछ भी हो सकता है। बाकी सेफ्टी के लिए मैं यही कहूँगा कि भाई इसको लगाने के बाद में एटलीस्ट आप कोई रबर वगैरह हो, एक्स्ट्रा कोई चीज़ हो, उससे अपने फ़ोन को इसके ऊपर अच्छे से टाइट कर देना, यानी बांध देना एक तरह से, ताकि बाई चांस स्क्रू इसके ढीले भी हो जाएँ तो आपका फ़ोन ना गिरे। क्योंकि देखो इस तरह के जो भी मोबाइल होल्डर आते हैं उसमें फ़ोन वगैरह लगाओगे तो भाई दिक्कत तो है ही, क्योंकि ये चीज़ों का भरोसा थोड़ी है, कभी भी गिर सकती है इतनी हाई स्पीड पे आप अपनी बाइक को चलाओगे तो। तो देखो इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यानी आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हो तो भाई वो एंगल नहीं बनेगा जो आप अपने हेलमेट पर यूज़ करके मतलब रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो सीधी सी बात है, इस फ़ोन को आप गूगल मैप की तरह यूज़ कर सकते हो, तो सीधी सी बात है इस मोबाइल होल्डर को आप एज ए मतलब जैसे गूगल मैप आपको यूज़ करना उसके लिए कर सकते हो, या फिर कॉलिंग वगैरह आ जाती है डायरेक्ट उठानी है तो वैसे है आप फ़ोन आपके सामने रहेगा। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग यानी मोटो व्लॉगिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते इससे, जितने मर्जी एंगल चेंज कर लो आप इससे नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और मोबाइल होल्डर है वो आपको बाय करना पड़ेगा, इससे आपका वो काम नहीं होने वाला है। हाँ, अगर नीचे जो फुट को जो फुट गार्ड होते हैं जो भाई, ठीक है, तो वो वहाँ पे अगर आप लगाते हो तो भाई थोड़ा बहुत एंगल बन जाएगा, बट वहाँ पे थोड़ा रिस्क रहता है कि भाई फ़ोन कुछ ज़्यादा ही नीचे हो जाता है, बाई चांस कोई दूसरा व्हीकल वहाँ पे टच हो जाए कुछ भी, तो मतलब जो भी है तो वो चीज़ है। बाकी वहाँ पे थोड़ा बहुत है, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको मोटो व्लॉगिंग या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए इसको बाय करें। फिर चाहे आपके फ़ोन में भाई वाइड एंगल कैमरा हो या ना हो, दोनों कंडीशन में आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। तो इसको अगर आप बाय करना है तो सिर्फ गूगल मैप वगैरह के लिए आप इसको बाय कर सकते हो। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो में, आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।